हाय स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को कितने पैर पार्ट तीन कितने पैर बताऊंगी। ये भी हमारे पर्यावरण से रिलेटेड ही है, इससे हमें नॉलेज मिलेगा। देखिए, जैसे आपको यहाँ पर अर्थवर्म दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, केचुआ। तो केचुआ हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, यही जैसे हम लोग क्लास में करते हैं ना, टीचर और बच्चे बातें करते हैं, वैसे ही सेम हमने इस चैप्टर में भी बातें करनी है। तो हम शुरू करते हैं पार्ट। बच्चे कहते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। अच्छा, हिंदी में जब आप विश करते हो टीचर्स को तो क्या बोलते हो? इंग्लिश में तो सब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और अगर 12 o'clock हो जाता है तो गुड आफ्टरनून बोलते हैं। तो हिंदी में गुड मॉर्निंग को सुप्रभात और गुड आफ्टरनून को शुभ मध्याह्न। शुभ मध्याह्न, ठीक है। तो हिंदी का पीरियड अगर आपका 12 बजे के बाद होता है तो उसको शुभ मध्याह्न बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अध्यापिका क्या बोलती है, सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर 100 तक होती है। 0 यानी 0, 100 यानी 100, ठीक है। धरती यानी पृथ्वी हम सब जानते हैं, और जीव यानी एनिमल्स, ओके। तो कितने पैर होते हैं श्याम? उनमें से एक बच्चा पूछता है, जी हाँ अध्यापिका जी। अध्यापिका जी यानी टीचर, फीमेल टीचर को अध्यापिका और मेल टीचर को अध्यापक कहते हैं। मुझे पता है, बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट में पेट के बल सरकते हैं। सरकते हैं यानी खिसक खिसक कर चलते हैं, ओके। तो टीचर ने पूछा था कि कौन से जीव है जिसके पैर नहीं होते, तो श्याम ने उत्तर दिया कि केचुआ। केचुआ इंग्लिश में इसको कहते हैं अर्थवॉर्म, ठीक है। सबको समझ आया ना? ओके। नेक्स्ट अध्यापिका पूछती है, वेरी, बहुत ठीक, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरी गुड, तो वो बोल रही है बहुत ठीक। अब कुछ दो पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। दो यानी 2, वेरी गुड। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। द्वि यानी दो, पाद यानी पैर, दो पैरों वाले, ठीक है। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? जैसे हम लोग दो पैरों पे चलते हैं ना, वैसे ही आप बताइए कौन कौन से एनिमल्स हैं जो दो पैरों पे चलते हैं, कौन से ऐसे जानवर हैं। तो रमेश बताता है, सारी चिड़िया द्विपाद होती हैं। बिल्कुल गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये सही आंसर है। हमने कभी बर्ड्स को 4 लेग्स के साथ देखा है क्या? नहीं ना, सबके दो दो पैर होते हैं। तो इसने, रमेश ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब टीचर पूछती है, आपने कभी किसी ऐसे जानवर को देखा है? ये तो बर्ड की बात हो गई थी, पशु, पशु यानी जानवर, पशु को देखा है जिसके दो पैर होते हैं? तो सविता, एक गर्ल है, वो उत्तर देती है, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी, और उन्होंने मुझे वहाँ पर द्विपाद पशु को दिखाया जो कूद कूद कर चलता है, लेकिन मैं उसका नाम भूल गई। किंतु का मतलब होता है लेकिन, ठीक है। अब ये बताइए, आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है? वेरी गुड, कंगारू दिख रहा है। देखिए, रजनी ने आगे बताया, द्विपाद पशु के विषय में पुस्तक में पढ़ा था, उसका नाम कंगारू है, उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले लेती है। जो जैसे जब बेबी होता है ना, तो उसका बेबी उसके पेट के अंदर होता है, और वो बैग की तरह उसके पेट से चिपका रहता है, जैसे बैग के अंदर उसका बेबी भरा रहता है। जैसे देखिए, इस इमेज में आपको दिख भी रहा होगा, दिख रहा है ना, ये वही चीज़ है। ओके, नेक्स्ट अध्यापिका, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान यानी टैलेंटेड। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह सब तेज़ी से चलता है तो दो पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। चतुष्पाद, चतुष्पाद का मतलब क्या होता है? चतुष यानी 4, पाद यानी पैर, चतुष्पाद, ठीक है। द्विपाद, चतुष्पाद, ये आपके लिए न्यू वर्ड होंगे, नए शब्द, इनको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, द्विपाद, चतुष्पाद, ठीक है। और सारे एनिमल्स के नेम हिंदी में, और 100 और 0, 0 है ना, 0 यानी 0, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ की भी प्रयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद कहते हैं। अब आप बताइए पंचपाद का मतलब क्या है? मैंने आपको द्विपाद बताया, चतुष्पाद बताया, तो पंचपाद, पंच यानी 5, बहुत अच्छा, पाद यानी पैर, यानी 5 पैर वाले, क्योंकि उसने एक पूंछ भी यूज़ की।
वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं, एग्जाम्पल गाय, भैंस। समीर बताता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा बता रही है बकरी, गधा, बंदर। रफिया बता रही है मेढक, ऊंट, बिलाव, घड़ियाल। अब आप देखिए इस इमेज में आपको कौन कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं। बंदर, शेर, जेब्रा, घोड़ा, ऊद बिलाव। ऊद बिलाव इसे कहते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ऊद बिलाव, चीता, जिराफ, और क्या है बताइए, गधा, लोमड़ी, और ये क्या है बकरी, और ये क्या है फॉक्स, ठीक है, और ये है घड़ियाल। ये भेड़िया है, ये घड़ियाल है, और ये मेंढक है। ठीक है, सब समझ गए? वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए तो रमेश, विपिन, ये सारे बच्चे हैं जो आपकी तरह मुझे उत्तर दे रहे हैं। अध्यापिका, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के बारे में। अब देखिए कीट और जानवर में क्या अंतर है। जानवर जो बड़े होते हैं, कीट जो इंसेक्ट है ना, जैसे आपने लास्ट कविता में चींटी पढ़ा था ना, चींटी किसके अंदर आती है, जानवर तो कहलाती है लेकिन कीट के अंदर आती है, क्योंकि वो छोटे छोटे कीड़े कहलाती है, कीड़ों के अंदर आती है। ठीक है, तो अब हम कीट के बारे में पढ़ेंगे। मीना एक गर्ल है, वो बोलती है अध्यापिका जी, मुझे चींटी को देखने में बड़ा मज़ा आता है, उनका चलना मैंने बहुत बार पास से देखा है, मैंने कई बार उनके पैर भी गिने हैं, पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। यही तो पूछा था अध्यापिका ने कि चींटी के कितने पैर होते हैं, तो लास्ट कविता में भी आपने देखा था ना चींटी, तो उसने बताया 6 पैर होते हैं। वेरी गुड, अब क्या हुआ, अब अध्यापिका पूछती हैं, अरे वाह, अब आप स्वयं गिन कर आई हैं, तो आपका उत्तर सही है। आपको पता है चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीट हैं जिनके 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और तितली, झिंगुर। अब जैसे बच्चे दो एग्जाम्पल मैम ने दिए और बाकी एग्जाम्पल बच्चों ने दिए। फिर अब हम नेक्स्ट में, जैसे यहाँ पर देखिए आपको कुछ इमेज दिख रही है, आपको मकड़ी दिख रही है, ये है मक्खी, मक्खी है, ये चींटियाँ हैं, ये मक्खी है, और ये मधुमक्खी है, ये तितली है, ये ग्रास हॉपर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए मकड़ी। अब शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा आप सब, कीटों ने में इतनी रुचि रखते हैं, तो बताइए 6 से अधिक पैर होते हैं किसी के। तो रमेश ने तुरंत बताया मकड़ी के, देखिए ये इमेज भी आपको दिख रही है। सविता बोलती, हाँ मकड़ी के तो 8 पैर दिखते हैं और वह जाले पे चलती है। अध्यापिका बोली, बहुत अच्छा, अब मैं आपको और बताती हूँ कीटों के बारे में, जिसके 30 से लेकर 382, 30 यानी 30, 382 यानी 382 कितना हुआ, 382, 382 क्या लिखा है, 382। अब इसको आप इंग्लिश में करिए और फिर उसकी स्पेलिंग भी लिखिए, इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखना होगा आपको। ठीक है, 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी, 30 पैर यानी 15 पेयर में होते हैं ना सबके पैर, जैसे हमारे 1 जोड़ी हैं यानी 2 पैर, तो उसी तरह 30 का जोड़ी कितना होगा, 15, 15 यानी 15, से लेकर 191, 191, 382 को 191 जोड़े, जोड़े का मतलब होता है दो दो। इस अद्भुत कीट का नाम कन खजूरा है। कन खजूरा क्या आपने किसी ने देखा है, सब बच्चे बोले नहीं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो इमेज दिख रही है ना आपको, ये है कन खजूरा। इसके ये बहुत लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और इसके बहुत सारे पैर होते हैं। ठीक है, वास्तव में घरों में मिलना तो कठिन है, ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन, अंधेरा और गीली गीली जगह पर, जैसे पेड़ों के तनों के आसपास। ठीक है, तो इसी तरह ये कहानी थी जो टीचर और बच्चों ने बताई और हमारे पर्यावरण से हमें सिखाई, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। और इसमें आपने कई चीज़ें नई देखी, कई सारे कीटों और जानवरों के नाम हिंदी और इंग्लिश में, आपको नंबर्स के बारे में पता चला, और कुछ ऐसे शब्द जैसे द्विपाद, चतुष्पाद, पंचपाद है ना, ये सारी चीज़ें पता चली।
तो इसी तरह। और ये किसने कहानी लिखी है? मंजुल भार्गव। अच्छा, जो कविता लिखते हैं उनको तो कवि कहते हैं, जो कहानी लिखते हैं उनको क्या कहते हैं बताइए बच्चों? मंजुल भार्गव हमारे क्या कहलाएंगे? लेखक। क्या कहलाएंगे? लेखक। ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए ये कहानी आप पढ़िए और कुछ ड्राइंग बनाइए इससे रिलेटेड, और कुछ और भी चीज़ें इसमें सर्च करिए, आपको और एनिमल्स जो आपका फेवरेट एनिमल हो उसके बारे में मुझे बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। आप लोग का दिन शुभ हो, और मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।